मोदी सरकार के 7 साल पूरे, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, समर्पण भाव से काम किया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सोच से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से जंग का भी किया जिक्र, कहा 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जगह अब 9500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का हो रहा उत्पादन। किसानों के योगदान का भी मन की बात में जिक्र, प्रधानमंत्री ने कहा रिकॉर्ड फसल खरीद की, किसान नई तकनीक से कर रहे खेती। राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती पर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मिला देश का साथ। बदलाव लाने वाली सरकारी योजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने दिया हवाला, कहा नल से जल योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना ने बदली सूरत। मोदी के मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, कहा कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत नीति निश्चय, महीने में एक बार निर्थक बात नहीं। कांग्रेस ने गिनाई मोदी सरकार की 7 साल की 7 भूल, बेरोजगारी महंगाई और किसानों की कमजोर हालत का दिया हवाला। इसीलिए हमने कहा 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। कोरोना वेरिएंट को इंडियन बताने के विवाद पर कांग्रेस की दलील, खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको बताया था इंडियन वेरिएंट। भरतपुर में अच्छी जगह तबादले के लिए गहलोत सरकार के मंत्री के पैर छूते दिखे सरकारी डॉक्टर, वीडियो वायरल। जारी है कोरोना के नए केस घटने का सिलसिला, एक दिन में 1,65,553 नए मामले। मौत की तादाद में खास कमी नहीं, एक दिन में 3460 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, एक्टिव केस की तादाद 21,14,000 तक आई। वैक्सीनेशन में भी दिखी तेजी, अब तक 21,20,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में कोरोना से अब तक 3,25,972 मौतें, कुल कोरोना केस 2,78,00,000। वैक्सीन पर सरकार का बड़ा बयान, जून के महीने में उपलब्ध होंगी 12 करोड़ डोज, इनमें से 6 करोड़ डोज केंद्र राज्यों को देगा, बाकी राज्य निजी अस्पताल सीधे खरीद पाएंगे। दिल्ली में सरकारी वैक्सीन सेंटर बंद करने पर निजी अस्पतालों ने शुरू किए टीकाकरण केंद्र सफदरजंग में, विधायक की मदद से फोर्टीज ने खोला वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली में सोमवार से सभी मीडिया कर्मियों के लिए विशेष टीकाकरण शुरू होगा, परिवार वाले भी लगवा सकेंगे टीका। भदोही में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद में घोटाले का आरोप, आम आदमी पार्टी का आरोप, 19,500 के सिलेंडर 54,000 में खरीदे। यूपी में पहली बार कोरोना 2000 के नीचे, 3,40,000 टेस्ट हुए, केस निकले सिर्फ 1908। यूपी में रिकवरी रेट पहुंचा 96% से ऊपर, एक्टिव मामले 41,000। योगी सरकार आज लेगी फैसला, लॉकडाउन से ढील पर राहत मिलने की उम्मीद। जिला प्रशासन को फैसले की मिल सकती है छूट, शादी के सामान कपड़ा और मोबाइल दुकानों को मिल सकती है खुलने की इजाजत। निजी दफ्तरों में भी सीमित कर्मचारियों को आने की मिल सकती है छूट, मॉल सिनेमा सलून थिएटर सब फिलहाल बंद। यूपी के बलरामपुर की हैरान करने वाली तस्वीर, पीपी किट में नदी के पुल से शव फेंकता दिखा शख्स, शनिवार का है वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कैमूर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल, सांसद मनोज तिवारी के गांव में कागजों पर ही है स्वास्थ्य केंद्र। नालंदा में लॉकडाउन की मार किसानों पर पड़ी, खेत में ही सड़ने लगे प्याज। रक्सौल में भी किसानों पर बड़ी मार, खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही है सब्जियां। होटलों में टीकाकरण को सरकार ने बताया गलत, कहा ऐसा किया तो होगी कानूनी कार्रवाई, होटल दे रहे हैं वैक्सीनेशन पैकेज का ऑफर। कोविड रोकथाम के लिए होम मिनिस्ट्री ने उठाए कदम, विशेष ग्रुप की तादाद 6 से बढ़कर 10। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे इनकी अगुवाई, कोविड पर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ऑक्सीजन वैक्सीनेशन टेस्टिंग और आर्थिक गतिविधियों पर फैसला करेंगे समूह। उत्तराखंड के धारचूला में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और मास्क भेजने पर हैरानी, स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने पकड़ी गंभीर लापरवाही। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर छेड़ी गई मुहिम, बढ़ावा देने के लिए सोनू निगम पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर में और बिगड़ सकते हैं हालात, आईआईटी दिल्ली ने किया आगाह।
आईआईटी दिल्ली की आशंका, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में मरीजों की संख्या में 60% तक इजाफा हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी दिल्ली में रोजाना 45,000 से ज्यादा मामले आने की आशंका, ऑक्सीजन संकट से बचाने का प्रयास। आईआईटी दिल्ली केजरीवाल सरकार के साथ राज्य में ऑक्सीजन के बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन पर कर रही है काम, शुक्रवार को टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। फिलहाल कोरोना के गिरते आंकड़ों से थोड़ी राहत की सांस ले रही है दिल्ली, शनिवार को 24 घंटे में 956 केस सामने आए। दिल्ली में करीब दो महीने बाद 24 घंटे में 1000 से कम मामले, 122 लोगों ने एक दिन में कोरोना से दम तोड़ा। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब अनलॉक को लेकर जंग शुरू। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने का रखा था प्रस्ताव लेकिन उपराज्यपाल ने खारिज किया। आम आदमी पार्टी की व्यापार शाखा के संयोजक ब्रजेश गोयल का बयान, बीजेपी सोशल मीडिया में नहीं फैलाया झूठ, दिल्ली सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति नहीं दी। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ ने आम आदमी पार्टी नेता ब्रजेश गोयल के बयान को खारिज किया, कहा प्रस्ताव देना तो दूर, बाजार का मामला तक एजेंडे में नहीं था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली में 1 जून से अनलॉक के दौरान खुलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स और कारखाने, राज्यपाल ने बैठक में दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 जून से अनलॉक के दिए संकेत, लेकिन जारी रहेगा कोविड वीकेंड लॉकडाउन। शिवराज सरकार का ऐलान, मध्य प्रदेश में सोमवार से फिर खुलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। नहीं थम रहा एलोपैथी पर दिए रामदेव के बयान का मुद्दा, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 1 जून को काला दिवस मनाने की तैयारी की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मांग, एलोपैथी पर दिए बयान पर रामदेव जनता के बीच आकर बिना शर्त माफी मांगे। शिवसेना विधायक संजय सिसाट ने मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को 3 एम्बुलेंस भेंट की, आधुनिक सुविधाओं से लैस। वैक्सीन सप्लाई पर सीएजी ऑडिट की कांग्रेस ने की मांग, केंद्र सरकार को घेरा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से आर्थिक मदद का ऐलान, 23 साल का होने पर मिलेगा 10 लाख का फंड। महामारी से अनाथ बच्चों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा, 18 साल के 5 लाख की फ्री स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा के लिए लोन में भी राहत। यूपी में भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार का फैसला, पालन पोषण के लिए 4,000 प्रति महीना देगी सरकार। असम में भी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान, अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3,500 रूपए। जामनगर की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर सामने आई, हाथ पर दिखे कथित चोट के निशान। 23 जून को एंटीगुआ से लापता हुआ था चौकसी, भारत से भगोड़ा महल 11,000 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का आरोपी। 28 मई को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर लैंड हुआ दिल्ली से रवाना हुआ विमान, इसके बाद से चौकसी को भारत लाने के लगाया जा रहा है कयास। एंटीगुआ को ओपीएम गैस्टन ब्राउन ने की पुष्टि, भारत ने डोमिनिका में भेजा है विमान, कहा भारत ने चौकसी के भगोड़ा होने से जुड़े दस्तावेज भेजे। एंटीगुआ की पुलिस चीफ ने चौकसी को अगवा करने की खबर को सिरे से खारिज कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाए जाने का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, इसे संघवाद की हत्या बताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया पलटवार, प्रधानमंत्री को इंतजार कराने की आलोचना की, कहा ममता का कृत्य शर्मनाक। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का ममता परवार, बोले मुख्य सचिव अल्पन को मैं बेहतर जानता हूं, उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया होगा, उन्हें समीक्षा बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया होगा। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु के निशाने पर खुद की पार्टी, लिखा जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद की आलोचना की जरूरत। शुभ्रांशु रॉय ने 2019 में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, इस बार चुनाव में मिली थी हार। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सीए कानून के बिना ही नागरिकता देने की तैयारी, गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मांगे गए आवेदन।